आप चार चार लोगों को ले गई है प्यार आपका। देखिएगा गाइस, इट्स मी माय लगड़ा। सो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो क्या है आज, शायद मैं अपनी एक फीलिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हो कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। और मुझे मुझे लग रहा था कि शायद मुझे शादी उससे करनी चाहिए जिस पर मेरा क्रश हो, मैं जिस पर क्रश करती हूँ। तो हर किसी का इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई क्रश होता होगा, लेकिन मेरा भी एक है और आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ। बहुत 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 मुश्किल से उनकी लोकेशन निकाल ली है मैंने, और जब मैंने सोचा लोकेशन तो निकाल ही लिया तो सीधा मिलूँ क्यों, सीधा शादी कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे को कुछ नहीं करना, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं बनाना, सीधा शादी करनी है। तो ये है कि वैसे तो प्यार से मान जाएंगे वो, और अगर नहीं भी माने तो मैं आज अपने बाउंसर्स के साथ आई हूँ, तो वो देख लेंगे उन्हें अच्छी तरीके से। बाकी जो भी होने वाला है मुझे नहीं पता, मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि किसी के प्राइवेट प्लेस पे जाकर और उनके ऊपर ऐसे धावा बोल देना, एंड फाइनली वो मुझे जब बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, बट जो भी रिएक्शन होगा वीडियो में देखने को मिलेगा, बस वो धक्के मार के बाहर ना निकाल दे। तो मैं फिंगर क्रॉस कर रही हूँ। चलिए जी, हार्टबीट मेरी तेज हो रही है, क्योंकि यही है ना, वैसे उनकी लोकेशन हमने पूरी पता कर ली थी ना। वरमाला एक ही लाए हैं हम, एक और जल्दी, कम ऑन। थैंक यू। कहाँ से खड़खड़ाऊं? वे भी रहते हैं यहाँ पे? जी रहते हैं। मुझे उनसे बात करनी थी। पूछ के क्या होगी, गेट तो खोल दो। आप लोग कौन? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मिलने आया मतलब? मैं जानता हूँ आपको, या आप मुझे जानते हो? आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानती हूँ। मैं तो नहीं जानता, ऐसे कैसे आ गए आप? आ गए। और बॉन्सर बॉन्सर मतलब हाथ में माला, ये क्या सीन है? मतलब मुझे पता है कि आप थोड़े से हैरान होंगे मुझे देखकर। एक्चुअली मेरा नाम माल हाउस पे माला लेके क्या काम है? फार्म हाउस पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि ये आपका फार्म हाउस है और अभी आप इस पे तो है, लेकिन माला शादी करके आए हो क्या? आप हस्बैंड कहाँ आपके? मैं करके नहीं आई हूँ, मेरे को करनी है आपसे। आपसे मेरे साथ पागल हो रहे हो? नहीं सीरियसली, ऐसे कैसे, कोई जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये वाली बात। बैठ जाओ पहले। मैं ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, आप बैठिए। नहीं मैं तो बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ, आप बैठिए। बैठ जाओ, बैठ। हाँ बैठिए तो आप। बैठाऊंगा। आप बताइए जी क्या सीन है? बस बोल रही हूँ आपसे कि मैं दिल्ली से आई हूँ जी, और मेरा नाम माही है, और मैंने आपको इंस्टाग्राम पर देखा है। सभी लोग देखते हैं ये थोड़ी, सभी लोग शादी करने आ जाएंगे। हाँ आई नो, नहीं आते ना सब। नहीं, नहीं, नहीं। मैं आई हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता जी। नहीं ऐसे होता है, मतलब आप नहीं समझ रहे, मतलब मैंने जब आपकी वीडियो देखी थी फर्स्ट टाइम देखा, चलो मुझे लगा ठीक ठाक है, सेकंड टाइम देखा फिर मुझे लगा काफी अच्छा बोलते हो, फिर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिर मुझे लगा यार इसको इतना देखना है तो फॉलो कर लेती हूँ, फिर मैंने आपको फॉलो कर लिया। फॉलो कर रखा आपने? या ठीक है, पता नहीं ना कौन किस किसने फॉलो कर रखा है, किस किसने नहीं। हाँ सो मैंने आपको फॉलो करा और अब आपकी रोज मैं वीडियो देखती हूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे धीरे धीरे आप पर क्रश होने लगा है, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को ज्यादा टाइम खींचना नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाकर मिल लेना चाहिए। नहीं आप भी मजाक कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, ऐसे शादी थोड़ी होती, सीधे से माला लेके आ जाओ शादी हो जाती है, घर वालों से बात करनी पड़ेगी पहले। मैं अपने घर वालों से बात करके आई हुई हूँ कि अगर लड़का मान गया तो चट्ट मंगनी पट शादी। नहीं भैया अभी शादी की उम्र थोड़ी है मेरी। तो नहीं हम वो कर लेते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, रोका कहते हैं ना, रोका टोका। हाँ रोका। कितने साल के लिए रुक जाओगे आप बताओ, कितने साल रुकना है? 6-7 साल रुक जाओगे? भाई नहीं शादी शुदी नहीं करनी, अभी मजाक नहीं है शादी का। नहीं कितने साल रोकना है? 6 साल। हाँ 6 साल रोकना है? 6 साल रुक जाओ। ठीक है रोक काम कल कर लेते हैं, 6 साल रुक जाऊंगी मैं। तो बताओ अपनी क्वालिटी बताओ आप। मेरी क्वालिटी शादी करूँ आपसे? मतलब क्या देख के शादी करोगे? पहली बात है बाउंसर क्यों लेके आए हो आप? मैं बाउंसर इसलिए लेकर आई क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना इजी बैठकर आपसे बात कर पाऊंगी, मुझे लगा कि भाई क्या पता, तो मैं जानवर थोड़ी हूं खा जाऊं किसी को। नहीं मुझे लगा कि क्या पता भाई ऐसे
गेट वाले ही बोल देंगे जाओ यहाँ से, तो मुझे लगा गेट वेट तोड़ के अंदर जाना पड़े मुझे। नहीं, अगर आप प्यार से मान जाएंगे तो मुझे उठवाने की जरूरत नहीं। मानना क्या है, शादी नहीं, शादी थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी होती है शादी। देखो मैं अपनी भी लेकर आई हूँ और आपकी भी लेकर आई हूँ। नहीं, लो ऐसे ऐसे तो कोई भी ले गया जाएगा, ऐसे थोड़ी सा। अच्छा ठीक है, पहले बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे बताओ। अच्छा ठीक है, बैठ कर बात तो करें मुझसे। हाँ बोलो बोलो। देखो क्वालिटी जाननी है मुझ में क्या है। देखो ठीक ठाक दिखती हूँ और बाकी लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी अच्छी सी दिखती हूँ, इतनी तारीफ मैं नहीं करूँगी। और फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, मेरे फादर आर्मी में है, मेरा भाई सर्जन है, इकलौती लड़की हूँ। शादी के लिए पैसे मैटर नहीं करते, कौन क्या करता है, पापा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ और सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मतलब आप जितना तो नहीं है बट हाँ मैं कर लेती हूँ और ठीक ठाक बोल लेती हूँ, हाथ पैर सलामत है, एजुकेटेड हूँ और एजुकेटेड फैमिली से हूँ और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं सूट के नीचे क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। सही है सही है। तो आप यहाँ शादी करने आए हैं फिर आज? डन, फाइनली पक्का। नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान चल रहे हैं मुझसे कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, शादी नहीं कर रही हूँ। जबरदस्ती किस बात की? और क्या ऐसी, मतलब आप सीधी शादी के लिए क्या दिक्कत क्या आ रही है, मतलब यही तो दिक्कत है। मैंने देखो मैंने आपके बारे में कौन आती है लड़की, कोई मैंने ठीक है नहीं आता, मैंने आपके बारे में सब पता किया है कि आप कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन कौन हो, सिंगल हो अभी तक। आपको कैसे पता मैं सिंगल हूँ, क्या बात है, दस अफेयर चल रहे हो? अफेयर का तो मुझे लेना देना नहीं है, मैंने सारा पता किया है, मतलब पता किया, किसी ने अलार्म लगा दिया आपको? सुनो जब मैंने ये पता कर लिया कि आप यहाँ पर इस वक्त यहाँ बैठे होंगे। लोकेशन का तो क्या, लोकेशन तो गांव में जाके पूछ लो, कोई भी बता देगा कि आप फार्म हाउस पे मिलोगे, कौन बता देगा? इसको क्या पता मैंने कितने कांड किए हैं। कहना क्या चाह रहे हो? अच्छा ये बताएं, आप कह रहे हो ना शादी करनी है कि सिंगल हो, सिंगल आप बताओ क्या? आप सिंगल हैं मुझे पता है। कैसे पता है? मेरे को पता है ना, मैंने पता किया। आप नहीं, आप भगवान थोड़ी हो, आपके यार दोस्तों से कौन कौन सिंगल है? ये तो मेरे बाउंसर हैं, ये तो सिंगल हो या नहीं हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में पता है मैं सिंगल हूँ, कैसे पता आपको मैं सिंगल हूँ? क्योंकि मैंने आपके बारे में पता किया है। डबल हो क्या, मतलब दिल मत तोड़ो मेरा। कुछ पता थोड़ी है, सच्ची बताओ कुछ है क्या? देखो कुछ नहीं है ना, नहीं है ना, हूँ तो सिंगल मैं तभी आई हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? ट्रू लव आपका? बिल्कुल, मतलब ट्रू लव होगा। पता है आपको मैं दिल्ली द्वारका से आई हूँ, 3.5 घंटे का सफर तय करके यहाँ आई हूँ। लोग सात समुद्र पार से जाते हैं तो दिल्ली, तो मेरे लिए वो सात समुद्र था। क्या हो गया? अच्छा ट्रू लव आपका, क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए? अच्छा बताओ। वैसे तो मैंने आज तक किसी के लिए कुछ किया नहीं है, बट अगर आप जो बोलोगे मैं कर दूंगी। क्या करोगे? शादी, चल चलो शादी कर ली, उसके बाद क्या प्लान है आपका? कहाँ रहेंगे हम? कहाँ रहेंगे? जहाँ आप चाहेंगे मैं वहाँ रह लूंगी। मेरे घर, मेरे गांव में। हाँ घर गांव में क्या दिक्कत है, मैं जाट फैमिली से हूँ, हमारे भी घर गांव होते हैं। आपने ये पता कर लिया होगा, मैं सब पता है मुझे आपके बारे में। अच्छा हाँ, खेती बाड़ी कर लेते हो? नहीं करती। बस फिर कैसे चले? मैं सीख जाऊंगी। कैसे सीख जाओगे? सीख आप मुझे सिखा देना, मैं सीख जाऊंगी। धार निकाली है कभी? गोबर उठाया है? हम उसे गोबर उठाएंगे, मैं उठा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सोच लो। सोच लिया मैंने, मैं सोच कर है ना वहां से यहाँ आई हूँ। फाइनली करना है शादी, मेरे को करनी है, कुछ भी कंडीशन हो। डन। ये मामला गड़बड़ में है सर। क्यों गड़बड़ में है? साजिश लग रही है मुझे तुम्हारी, कुछ ना कुछ। क्या साजिश लग रही है? ये वरमाला लेके आए हो, मुझे लग रहा है मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। मैं सीरियस हूँ, कोई लड़की इतनी दूर से क्यों उठ कर आएगी? आपको लग रहा है मैं आ जाएगी? नहीं ऐसे तो नहीं आता कोई, फिर भी साथ में आपके, तो नहीं मांगो तो उठवा लोगे? देखो नहीं, मैं नहीं मानता, कर लो क्या करोगे? सच में उठा लेंगे, और मैं वो वाली कंडीशन लाना नहीं चाह रही हमारे बीच में, जस्ट बिकॉज आई लाइक यू, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि उठा कर लेके जाए। ऐसा है देखो, मुझे पहले से लगा सकते मुझे, आप कह रही है मैं, क्योंकि आपकी क्या कंडीशन है, कैसी लड़की चाहिए? ठीक नहीं लग रही है क्या? दिक्कत कहाँ आ रही है? कुछ नहीं, जो मुझे समझ सके ऐसी चाहिए बस, और क्या? मैं समझ रही हूँ आपको, मैं तो कह रही हूँ मैं तो आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, और क्या चाहिए? एक पपेट के लिए, एक पपेट की तरह सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। चाहिए तो कुछ नहीं, बस फिर डन। भाई मेरे घर वालों से बात करो। पहले लड़का मान जाए, मैं घर वालों को तो मना ही लूंगी। मैं मान जाऊंगा बस, बात करो लड़का, आप मान गए
घर वालों को तो मैं मना, पता है क्या होता है, लड़के की पसंद देख कर घर वाले थोड़ी जल्दी मान जाते हैं। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, जब दिल्ली से हो ना, शहर की बहू तो वैसे भी ना ले। अरे क्यों, शहर में क्या दिक्कत है? शहर की बहू तो वैसे भी ना ले, हमारे दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है। आप सिर्फ ये बताओ कि आपने शादी करनी है या नहीं? नहीं करने भी, साफ मना है। नहीं मतलब ये क्या जबरदस्ती बात है, ऐसे थोड़ी हो, आपको करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आप चलेगी यहाँ पे, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। देखो मैं प्यार से करने आई हूँ, मैं प्यार से करने आई। मेरे को आप चार चार लोगों को लेके, ये प्यार आपका, देखिए चार लोग पिटवा रहे हो, आप प्यार से समझ नहीं रहे हैं। फिर ये थोड़ी प्यार से समझाओगे तभी समझा से थोड़ी, ठीक है? फिर आप प्यार से मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्यार से मान जाओ। मेरे घर वालों से बात करो, मैं ऐसे कैसे करवा लूं शादी? पहले आप मान जाओ, अच्छा फिर घर वालों के पास चलते हैं अभी डायरेक्ट। अच्छा नहीं, आप ऐसे करो, पहले उनसे बात करो, फिर मैं मान जाऊंगा, वो मान के मैं मान जाऊंगा। आप हाँ करो ना, पहले पहले वो मानेंगे ना, मैं ऐसे थोड़ी भाई पेरेंट्स ना माने मुझसे, पहले इनसे छुड़वाओ, ये क्या है, ये छोड़ देंगे जबरदस्ती। आप हाँ तो बोलो मुझे, आप हाँ तो करो। हाँ बोल दिया, सारी जिंदगी नाम के बंद जाओगी, मेरा ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं? अरे नहीं बंद, मैं बहुत सही लड़की हूँ, पता है कैसे पता? बहुत सही हूँ, मुझे कैसे पता? देखो जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और क्या चाहिए? सही है, गुंडा कर दिया है तो दादागिरी हो रही है, करनी पड़ेगी शादी भाई पे। नहीं नहीं, जब प्यार से मान जाओ। देखो मुझे पता है कि मैं आपके एरिया में अपने बाउंसर लेकर आई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ मुझे 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 बुरा लग रहा है, बात करने के लिए बाउंसर लेके जाओगे? वह भी मुझे सच में बुरा लग रहा है, आप हाँ नहीं भर रहे हैं। हाँ कैसे कर लूँ मैं? हाँ कर लो, बोल दिया मेरे घर वालों से बात करो तभी तो हाँ करूंगा। पहली बात तो जबरदस्ती गलत है यार, आप नहीं मान रहे हो। नहीं पहले मेरे, चलो फिर गाड़ी में बिठाओ इनको। ओ चलो ना 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 ना, छोड़ यार, ऐसे कैसे माना? ओ गुरुजी ना ना, ऐसे नहीं होता भाई। तो आप माने क्यों नहीं? मैं जब बोल रही हूँ आपको, मेरे घर वालों से बात कर लो, फिर सब कुछ आप हाँ कर दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। चलो चलो ठीक है, एक मिनट छोड़ो भाई, छोड़ो पहले, चलो ठीक है, छोड़ दो, पहले उनसे बात करो आप, पहले आप हाँ भरो, मैं उनसे बात करूँ, ठीक है? ये माला पकड़ो, अभी अभी मतलब सब कुछ, मतलब अभी पेरेंट्स के सामने जाएंगे ना डायरेक्ट। अच्छा हाँ, ये माला लेंगे? यस, मतलब पिटवाओगे सीधा ही? अरे नहीं ना, मतलब ऐसे कैसे, प्यार है ये, प्यार है, घर वालों को थोड़ी पता, प्यार कहेंगे? ऐसी लोंडिया लेके आ गए तू तो कहीं नहीं कहेंगे, चलो कोई देखा नहीं कुछ नहीं, कोई आपका घर इतनी दूर नहीं है, हम चलते हैं, मैं उनसे बोलूंगी कि ये लड़का मुझे पसंद है आपका, और आपके लड़के को मैं पसंद हूँ, मैंने बताया तो मेरा नाम माई लाकड़ा है। भैसा को उनको थोड़ी पता है आप कौन हो, तो आप उन्हें बता देना ना। कैसे बताऊँ कौन हो आप, क्या करते ये हो? बताना कि मैं दिल्ली से आया, शहर की लड़की कहेंगे नहीं, शहर की हमको नहीं चाहिए, आप कह देना गांव क्यों, मनाने के लिए कुछ भी कह देना। अच्छा देखो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी मुझे पता था कि आज आप मिलोगे और मैं आ गई। उनसे बात कर लो पहले, चलो चलो डन, चलो चलो। अच्छा सुनो एक बात, खैर ये बात बिल्कुल क्या? सच है, नहीं नहीं ऐसे तो मैं क्या सच, ओह गॉड, हाथ भी नहीं लगा सकती, नहीं, शादी नहीं, करने वाले हैं हम, शादी करने, फिर देखेंगे बात, ठीक है हम शादी करने वाले हैं। नहीं ऐसे थोड़ी हुई, थोड़ी अभी शादी अरे ठीक है, छोड़ दो, हुई नहीं है, सुनिए मेरी बात, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ, ठीक है, मेरा नाम माई है, वो आपने पहले बताया था। हाँ और मैं कुछ प्रैंक वीडियो शूट करती हूँ। तो मतलब ये प्रैंक नहीं, प्रैंक नहीं हो रहा था, पहली बात है मैं प्रैंक शूट करती हूँ। अच्छा। बट मैंने सच में आपको इंस्टाग्राम पर देखा था। अच्छा। और मुझे सच में बैठिए ना, मुझे सच में आपसे धीरे 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 बैठ तो जाए, क्या आप इतना क्यों डर रहे हो? डरना पड़ता भाई, चाचा कौन सा लेके आए हो, मतलब मुझे यू नो व्हाट, जस्ट सम फीलिंग फॉर यू। आपने बताया कि आप प्रैंक वीडियो शूट करते हो। हाँ तो फिर ये एक प्रैंक है ना? नहीं ये प्रैंक नहीं है, ये प्रैंक है। नहीं एक्चुअली हुआ क्या है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ, तो मुझे लगा कि मैं जिसे पसंद करती हूँ क्या पता एक बार चांस ले लूँ, उनसे रूबरू मिल लूँ और वो मुझे हाँ कर दें, एंड देन मैं शादी कर लूँ। पहले घर वालों से बात करो, फिर सब कुछ बात, मतलब घर वाले मान जाएंगे तो शादी कर लोगे, ठीक है? पक्का डन है ना? मेरा कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ पर, आपने सबके सामने बोला है, मेरे सब्सक्राइबर के सामने। आप समझ गया प्रैंक है, नहीं ये प्रैंक नहीं है, प्रैंक हो रहा है और क्या, इट्स माय फीलिंग, और अभी मैं सच में, नहीं मैं सच में इनके घर वालों के पास जाने वाली, बाउंसर लेके यूं ही थोड़ी, प्रैंक के लिए बाउंसर की क्या जरूरत थी मुझे, मैं खुद ही कर लेती। नहीं तो नहीं होगा, गलत इन्होंने बोला है, सबके सामने बोला है और मेरे सारे सब्सक्राइबर सुन रहे होंगे, डन है ना? डन, घर वाले मान जाएंगे तो डन है, मैं माला वैसे पहना देती हूँ, घर वाले से पूछो पहले, फिर पहनेंगे।